हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। और आप लोग कमेंट में बताना कैसे हैं सब लोग। चाय नाश्ता हमारा हो चुका है, चाय वगैरह पी लिए हैं, अभी चल रहे हैं आलू फ्राई करने। ज़्यादा हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमने कई बार आपके साथ आलू फ्राई की वीडियो डाला है, आप लोग देख सकते हो पुरानी वीडियो। और अनु जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा मतलब अपनी कमेटी पे हमारे भी लगाया चैनल कि आप लोग इनका भी सपोर्ट करें सब लोग। लेकिन दो चार सब्सक्राइबर बढ़े थे, दो चार लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया था, लेकिन वो भी सारे लोग अन कर दिए। दो तीन हुआ था लेकिन वो भी सारे अन हो गए। कोई बात नहीं है, आपने मेरा इतना सपोर्ट किया उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं अनु जी आपको। आपने तो इतना कर भी दिया लेकिन हमने एक साल हो जाएगा अगले महीने में, जून में मेरे चैनल को 1 साल हो जाएगा। हमने बहुत लोगों से कहा लेकिन किसी ने अपनी कमेटी पे मेरा नहीं लगाया। आपने इतना हमारे लिए किया, हम आपके आभारी रहेंगे सदैव। आपने हमारे लिए छोटी सी पहल तो की, लेकिन आजकल तो कोई किसी का सपोर्ट ही नहीं करना चाहता, कहीं ये भी नहीं आगे हो जाए। ये सब पार्टी में इतना वो चल रहा है, प्रॉब्लम की पूछिए मत। तो कोई बात नहीं है, आपने हमारे लिए इतना किया, हम बहुत आभारी रहेंगे आपका। और छोटी सी वीडियो है, आप लोग देखना, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ा सा हमने बनाई है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है। और आप लोग कैसे हो बताना सब लोग। और आप लोग हमारा भी सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मेरे अभी 673 ही सब्सक्राइबर हैं और 2500 लगभग धीरे धीरे करके 2000 से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर सारे कट चुके हैं। उस बीच YT का प्रॉब्लम चल रहा था तभी सब्सक्राइबर बहुत सारे कट गए। तो आप लोग सबका सपोर्ट किए लेकिन मेरा नहीं किए। मेरे अभी 1000 भी सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, सारे कट गए हैं। मेरे साथ के जितने भी लोग थे सबके 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं लेकिन अभी हमारा ही नहीं हुआ है। तो हम सब लोग से यही कहना चाहते हैं, प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए, कम कम से 1000 तो सब्सक्राइबर पूरा हो जाए, मेरा भी चैनल मोनोटाइज हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है जैसे आप लोग सबका सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे प्लीज़ मेरे चैनल को भी एक बार सपोर्ट करिए। हमने गांव की शांति जो है उनसे भी कई बार कहा दी, प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट कर दीजिए। प्रिया दीप है, उनको भी हमने बहुत बार कहा लेकिन उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया इस बात के लिए। कोई बात नहीं है, और बहुत सारे यूट्यूबर से हमने कहा लेकिन कोई नहीं किया। लेकिन अनु जी हैं वो मेरे में, हमने उनसे कहा एक दो बार, उन्होंने अपने कमेटी पे मेरे चैनल को लगाया। हम बहुत खुशी हुई हमको कि चलो ठीक है, कोई तो हमारे लिए इतना किया सहयोग, नहीं कोई किसी का करना ही नहीं चाहता। और आपको वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे हैं। आज हम आलू फ्राई कर रहे हैं खाने के लिए। उसके लिए हमने आलू उबाल के रख लिया था, उसके बाद उसको छिलका उतार के रख दिया, ठंडी हो गई। उसके बाद हमने सरसों का तेल लिया, वो गरम हो गया तो इसमें जीरा ऐड कर दिया, उसके बाद हरी मिर्च ऐड कर दिया। फिर आलू छोटी छोटी से टुकड़ों में हमने काट के रखा था, उसको ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ये गोल्डन हल्की हो जाती है तभी खाने में ज़्यादा टेस्ट लगता है। आप लोग बताना आप लोग किस टाइप की आलू खाना पसंद करते हो। उसके बाद हमने धनिया ऐड कर दिया है हरा। वीडियो आपको पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी सपोर्ट करें। देखिए आलू मेरी तैयार हो गई है, आइए आप लोग भी खा लीजिए।
और इसमें हमने थोड़ा सा मूंगफली दाना ऐड कर दिया। हमको मूंगफली दाने के साथ आलू खाना ज़्यादा पसंद है। आप लोग नहीं खाते हो तो एक बार ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी लगता है। हम मूंगफली को इसी में मिक्स कर देते हैं ऐसे करके, उसके बाद खाते हैं।